नमस्कार, वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम ठंडियों के लिए ड्राई फ्रूट लड्डू बनाएंगे। सभी को पता है हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट कितना अच्छा होता है, साथ ही चीनी से अच्छा गुड़ होता है। इससे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द या कमजोरी हो, सबके लिए ये फायदा करता है। आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो हम एक थाली में पलट लेंगे इस ड्राई फ्रूट को। ये हमने 50 ग्राम बादाम ले लिए हैं, 50 ग्राम काजू ले लेंगे, 50 ग्राम ये किशमिश है, लगभग 100 ग्राम ये नारियल है जो हम कद्दूकस कर लिए हैं, घर पे ही कद्दूकस कर लिए, थोड़ा पतला पतला है, लंबा सा आप बारीक काट के डाल सकते हैं या इसका बुरादा भी मिक्सी में इसे पीस सकते हैं, इसका थोड़ा सा दरदरा वो भी ले सकते हैं आप। और ये गोंद है, ये भी 50 ग्राम है। और ये मखाना ले लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये गुड़ है, लगभग 250 ग्राम तक गुड़ है। गुड़ अच्छी क्वालिटी के लें, क्योंकि इसको हम मेल्ट करेंगे तो छान नहीं सकते हैं। अगर सिरप बनाते पानी डालकर तब इसे छान लेते। 250 ग्राम छुहारा लिए हैं, इसका बीज निकाल लिए हैं। गरम पानी करके छुहारे को हम 2 घंटे के लिए भिगा दिए थे इस गरम पानी में। इसी पानी में भिगा थे, छुहारा अलग कर लिए हैं। इसको हम जार ले लेंगे, मिक्सी के पीसेंगे और थोड़ा सा यही पानी डाल देंगे जिसमें छुहारा भिगाए थे। मिक्सी के जार में डालकर इसे हम पीसेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको पीस लिए हैं, कटोरी में निकाल लेंगे। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल लिए, इसमें लगा था धो लिए, ये भी इसी में डाल देंगे। इसमें हम घी डाल दे रहे हैं, 2 बड़ा चम्मच घी अभी डाले हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो घी और डाल देंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें जो ये गोंद लिए हैं इसे थोड़ा थोड़ा 2 बार करके डालकर इसे फुला लेंगे। और गैस की फ्लेम मीडियम रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम पर गोंद को अगर आप फुलाएंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा। गोंद मीडियम फ्लेम पर ही भूने, तभी अच्छी तरह से पकता है। जब ये पक जाएगा थोड़ा हाथ से दबा के देखेंगे फूल जाएगा तो वो ऐसे टूट जाएगा। अगर कच्चा रहेगा तो हाथ से दबाने पर टूटेगा नहीं। गोंद भुन चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप हाथ से ऐसे ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे एकदम टुकड़ा हो जाएगा, जैसे मक्का भूनते हैं उसी तरह से इसे फुला लें। अब ये काजू और बादाम साथ ही डाल के भून लेंगे। इसे भी गैस कम करके ही भूनना है, जलाना नहीं है, हल्का सा पक जाए, इसमें से जो नमी है वो भी साथ में ख़त्म हो जाएगी, लड्डू खराब नहीं होगा और टेस्ट बहुत अच्छा आता है भूनने से। ये भी भून चुका, इसे भी निकालेंगे। इसे थाली में निकाल ले रहे हैं। मखाने को भी भून लेंगे, इसे भी कुरकुरा होने तक भूनेंगे, भी कुरकुरा हो जाएगा। अभी मुंह में डालने पर या हाथ दबाने से ऐसे आवाज़ नहीं आ रही, ऐसे पुचिक से जा रहा है। कुरकुरा हो जाएगा तो हाथ से ऐसे दबाएंगे टूट जाएगा। भून चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में ये नारियल भून लेंगे, दोबारा से हम घी नहीं डाले हैं, ऐसे ही भूनेंगे इसको। लो फ्लेम पर इसे भी भूनेंगे, हल्का सा कलर चेंज होना है, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है। ये भी हल्का सा भून गया है, आप देख पा रहे होंगे, निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट भून के हम तैयार कर लिए। और ये गोद है, ये भी ठंडा हो चुका है, बिल्कुल कुरकुरा। और मखाने, मखाने भी हम भून लिए हैं, ये भी बिल्कुल कुरकुरा हो गया है, थोड़ा ठंडा हो जाता है 2-4 मिनट तो ये कुरकुरा हो जाता है। इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे।
चाहे तो मिक्सी के जार में इसे दरदरा पीस लें, चाहे तो ऐसे पॉलीथीन ले लें। गोंद को इसके अंदर डाल दे रहे हैं, मखाना भी डाल देंगे, बड़ी पॉलीथीन है। इसको चाहे आप बेलन से ऐसे रगड़ देंगे, थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देंगे ना, कुरकुरा है टूट जाएगा। और एक गोंद को भी इसी तरह बहुत बारीक नहीं करेंगे, तो इससे हम कूट लेंगे, थोड़ा ऐसे कर लेंगे। गोंद जो है इसे ज़्यादा छोटा कर लें, ये थोड़ा बड़ा रहेगा तब भी चलेगा। निकाल लेंगे प्लेट में। आप चाहें तो ऐसे थाली में ही रख कर इसे तोड़ सकते हैं, तरफ दबा कर। बादाम और काजू जो है उसको भी हम इसी में डालकर तोड़ लेंगे, इसी पॉलीथीन में। इसी से इसको भी ऐसे तोड़ लेंगे, इसी में इसको भी रख लेंगे। बड़ा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में, अगर पाउडर कर देते हैं तो उतना स्वाद नहीं आता है। और जो बादाम साबुत रह गए हैं, थोड़ा सा इसे भी तोड़ लेंगे एक एक करके। ये जो गरी है, जो नारियल, इसे हम कद्दूकस कर लिए, बिल्कुल पतला है। अगर पीस आपको बड़ी लग रही हो तो ऐसे थोड़ा सा चाकू से छोटा कर लें। और ये जो किशमिश है सॉफ्ट है, इसे हम भूने भी नहीं, इसको ऐसे ही डाल देंगे। उसी कढ़ाई में हम दोबारा से ये जो छुहारा भिगा कर मिक्सी में पीस लिए थे, इसको डाल देंगे। और जो पानी है वो भी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। और इसमें अभी कुछ मिनट इसे पकाकर गुड़ भी डाल देंगे। यदि आप गुड़ और चीनी ना डालना चाहें, मीठा वगैरह, तो जो ड्राई फ्रूट हम भुने हैं इसी में डाल दें। इससे थोड़ा सा पका लेंगे, पकाने के बाद ड्राई फ्रूट इसी में डाल देंगे, तब भी लड्डू अच्छा बन जाएगा। पर थोड़ा सा गुड़ हम जरूर डालेंगे। इसमें मैं गुड़ डाल दे रही हूँ, गुड़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ में गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम तैयार करेंगे। और गुड़ का ध्यान देना, अच्छी क्वालिटी के लेना। गुड़ इसमें डाल दिए हैं, आप छान नहीं सकते। इसमें गुड़ डाल दिए तो एक बार पतला हो गया, जब गुड़ मेल्ट हुआ तो थोड़ा सा फिर गाढ़ा हो गया है। और इसे गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके ही इसे लगातार ऐसे चलाते रहें, क्योंकि गाढ़ा है, उछल के ऊपर आ जाता है, तो इस बात का आप ध्यान दें। थोड़ा सा और सुखाएंगे। अब इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखें साइड से पानी नहीं है। अगर ज़रा सा भी पानी रहेगा तो लड्डू खराब होने का भी चांस रहेगा, और लड्डू बाइंड नहीं होगा, जब बांधे गया बनेगा नहीं। इसलिए अच्छी तरह से इसका पानी सुखा लें। सूख गया है पानी, गैस ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट ठंडा होने देंगे। छुहारा दो तरह के लिए हम, जिसमें से यही वाला छुहारा के हम बनाए हैं लड्डू, ये वाला नहीं डाले हैं। वैसे दोनों अच्छा होता है, जो आपकी मर्जी हो वही ले लें, जो मिल जाए आपको आसानी से। अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसमें मैं ये नारियल का बुरादा डाल दे रही हूँ और इसी में किशमिश रखी हूँ, दोनों एक साथ डाल दे रही हूँ। गोंद, मखाना, ड्राई फ्रूट सारा इसी में डाल दी, बादाम काजू भी। अब अच्छी तरह से इसमें हम मिला लेंगे सारा, बढ़िया से मिलाएंगे सारा ड्राई फ्रूट और ये जो गुड़ और सुहारे के पेस्ट बनाई हूँ ये भी। ये सोंठ पाउडर है, जो अदरक होता है सुखाकर सोंठ बनाते हैं, वही है, 1.5 चम्मच है। अगर आप पसंद करें तो डाल लें, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत फायदा करता है, गर्म होता है ना। अगर ना पसंद करें तो ना डालें, इलायची पाउडर डाल लें, कुछ ना पसंद करें तो कुछ भी ना डालें। इसे अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा सा ठंडा और होने देंगे 2-3 मिनट, तब इसे हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू का मिक्स ठंडा हो चुका है, एक बार और मिला लें अच्छी तरह से। उसके बाद आप जैसे छोटा बड़ा आप लड्डू चाहें अपने हिसाब से, वैसे तो लड्डू छोटा ही सही रहता है,
बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी होता है, और इससे ज़्यादा तो हेल्दी है। सुबह 1 गिलास दूध के साथ एक लड्डू खा लें तो कितना भी खून की कमी हो, कितना जोड़ों में घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से हम लड्डू बना ले रहे हैं, बाकी के सभी लड्डू बना के तैयार कर लिए। बड़ी आसानी से लड्डू बन गए। आप सुबह सुबह एक लड्डू खा लें और 1 गिलास दूध पी लें, कितना भी खून की कमी होगी, खून भी अच्छा बढ़ने लगेगा, और घुटने में, जोड़ों में, कमर में कहीं भी दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा। और एकदम लड्डू ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, बहुत स्वादिष्ट है खाने में। इस तरह से आप लड्डू एक बार ज़रूर बनाएं, और बनाते समय जो आप छुहारे के पेस्ट भूने, जैसे मैं भून रही थी, तो उसका पानी बिल्कुल सुखा लें, पानी ना छोड़े, नहीं तो ये ड्राई फ्रूट का लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसे कम्प्लीटली ठंडा होने दें, किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे, 1 महीने आप आराम से खा सकते हैं। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे, बहुत अच्छा लड्डू आप बना लेंगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने फैमिली में, अपने मित्रों में शेयर करें, और मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपीज डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।